Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to our channel, Mufti Arbab. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم بھائیو بزرگوں دوستو آج جو आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उस आयत के अंदर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हमें एक हुक्म इरशाद फरमाया है, यानी एक हुक्म बयान किया है कि तुम्हें किस वक्त क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मुकदमे के तौर पर एक बात अर्ज़ करते चलें कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी में कोई काम करता है तो कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में उसके असरात ज़रूर आते हैं। अब किसी ने कोई काम किया, यकीनन ये भी हो सकता है कि कोई उसे कहे कि बहुत तकब्बुर वाला आदमी है। कोई काम ऐसा करता है कि लोग उसे कहें कि वो तवाज़ो वाला शख्स, तवाज़ो उसके अंदर है, मुतवाज़े शख्सियत है इसकी। और कोई इसे ये भी कह सकता है कि वही बड़ा ये खुददार आदमी है। तो ये तीन चीज़ें हैं, तकब्बुर, तवाज़ो और खुददारी। इस्लाम में दर हकीकत इनका क्या हुक्म है और क्या चीज़ क्या है, आज हम इसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करें तकब्बुर की, तकब्बुर एक वो चीज़ है जिसके अंदर इंसान बड़ाई में मुब्तला हो जाता है और वो ये समझता है कि दुनिया में मेरे मुतालिक जो चीज़ें हैं और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरी वजह से सही या गलत हो रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान इस ख्याल में आ जाता है कि मैं इससे मर्तबे में ऊँचा हूँ, तो अगर मैं इससे मर्तबे में ऊँचा हूँ तो मैं हकीकतन इससे ऊँचा हो गया। और अगर कोई शख्स ऐसा होता है जो माल में ज़्यादा होता है किसी से, तो तब भी ये सोचता है शख्स कि भाई ऐसा ना हो कि ये समझ ले कि मैं नीचे हूँ ये ऊपर है। तो इंसान जो तकब्बुर करता है, कभी माल की वजह से करता है, कभी ओहदे की वजह से करता है, कभी बॉडी अपीयरेंस के हिसाब से करता है, जसामत के दबार से करता है। कोई बॉडी बिल्डर है, किसी पतले को देख के कहे अरे क्या तुम्हारा जिस्म है, और कोई काला गोरा, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिससे इंसान तकब्बुर कर सकता है। तो दर हकीकत शरीयत क्या कहती है तकब्बुर करने वालों के बारे में, वो ये आपके सामने आज बताऊँगा मैं आपको। तो देखिए, जो शख्स तकब्बुर करता है, फरमाया हदीस के अंदर अल किबरियाउ रिदाई, ये जो बड़ाई है ये अल्लाह सुबहानहु व तआला की चादर है। अल्लाह सुबहानहु व तआला की चादर है, यानी इसका मतलब, जाहिरी मतलब तो यही है तर्जुमे के अतबार से कि बड़ाई जो है अल्लाह सुबहानहु व तआला की चादर है, लेकिन इसका मफहूमी मतलब ये है कि ये अल्लाह की एक चीज़ है, अल्लाह की एक प्रॉपर्टी है। कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करे, आप क्या हल करेंगे उसका? या कोई आपकी चीज़ पर कब्जा करने की कोशिश करे, आप उसका क्या हल करेंगे? आप पहले तो मेहनत करेंगे कि वो चीज़ ऐसी ना हो, और अगर उसने कब्जा कर लिया है तो आपका दिल में ये होगा कि मैं इसका इलाज कर दूँ बेहतरीन तरीके से। तो अल किबरिया व रिदाई, जो बड़ाई है, ये अल्लाह सुबहानहु व तआला की प्रॉपर्टी है, अल्लाह सुबहानहु व तआला की चादर है, अल्लाह सुबहानहु व तआला की सिफत है। अगर कोई ज़मीन का बंदा इसे अख्तियार करने की कोशिश करता है तो महज बर्बादी के उसे कुछ नहीं मिलेगा, यह है बात। दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत
من كان في قلبه مثقال حب مدم من خر دلم من كبر. فرمایا گیا کہ وہ شخص کسی بھی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے برابر بڑائی ہو، جس کے دل میں رائی کے برابر کبر ہو، چاہے وہ کبر کر رہا ہو مال، حسب، نسب، کسی اعتبار سے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ الى آخر الآیۃ. قارون سب جانتے ہیں کہ ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے اور وہ ظالم بھی گزرا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ اس میرے خزانے میں جو کچھ بنایا ہے میں نے بنایا ہے، میں نے اس کے اندر یہ کیا ہے، اس کے اندر ایک میں داخل ہو گئی تھی اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس آیت کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ قارون کہنے لگا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنر مندی، میرے ذاتی کوالٹی کی وجہ سے ملا ہے، اس میں اور کسی تیسرے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. آج اگر انسان کے پاس کوئی ہنر ہے وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ میری طرف سے نہیں، یقیناً محنت تو ہے لیکن محنت کتنی کر لے اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، تو کوئی انسان کسی بھی قیمت میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کامیاب ہو. تو قارون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ قارون تو یہ کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ میرے پاس ہے، میری جتنی بھی سلطنت ہے، میری جتنی بھی جائیداد ہے، یا میرے جتنے بھی خزانے ہیں، یہ سب میری ذاتی ہنر مندی کی وجہ سے ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، آگے اگلا دوڑا، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے برباد کر دیا جن کے اندر یہ خیالات تھے؟ کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں، گزشتہ نبی کی امتوں میں ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو طاقتور بھی تھے اور اس سے کہیں زیادہ بڑے تھے؟ کتنے واقعات ہیں، فرعون کا ہے، قارون کا ہے، حامان کا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو اس میں ملی جائے گا جس میں آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکبر کو چلنے نہیں دیا بلکہ موقع در موقع اس چیز کو بالکل ہی ختم فرما دیا. اب انسان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ تکبر کرتے 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 یا تو وہ بالکل ایکسٹریم میں چلا جاتا ہے، یا وہ ایکسٹریم میں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت تکبر کرتا ہے، یا وہ اتنے خوف میں آ جاتا ہے، اتنے خوف میں آ جاتا ہے کہ وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ تکبر ہو جائے، تو وہ ٹو مچ کبھی توازن میں بھی آ جاتا ہے. تو در حقیقت تکبر کا، توازو کا اور خودداری کا بیلنس کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا کہ ولا تسعر خطک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اگر وہ مثال کے طور پر کوئی شخص گورا ہے، وہ کسی کالے کو دیکھ کر اپنا منہ حقارت سے اس طرح سے پھیر لیتے تھے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ ولا تسعر خطک للناس، کہ تم اپنے چہروں کو مت پھیرو، تم اپنے چہروں کو مت پھیرو. اس بات سے، کیا بات سے؟ کہ تم یہ سوچو کہ یہ کالا ہے یا گورا ہے یا یہ زیادہ منصب والا ہے. تو ولا تسعر خطک للناس، تم چہرے کو مت پھیرو یہ سوچتے ہوئے کہ تم زیادہ اس سے بڑے ہو یا زیادہ حسین ہو یا زیادہ جمیل ہو یا زیادہ مالدار. اور اگلا فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختار فخور. کچھ لوگوں کی چال کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے، وہ زمین میں پیر زور زور سے مار کے چلتے ہیں. کہ ایک ہوتا ہے کہ بھائی جیسے فوجی لوگ کرتے ہیں، ان کو تو ایک اپنے وطن کے لیے کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر عام آدمی کے اندر فوجی والی چال آ جائے اور وہ اپنا پیر زور سے زمین پہ پٹکنے لگے، تو اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تو زمین پر اترا کے چلتا ہے اور تو زمین پر پیر پٹک پٹک کے چلتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ تو جو ہے
जमीन को छेद, जमीन के अंदर छेद कर देगा, यानी तू जमीन को छेद कर देगा या तू क्या कर लेगा कि तू इतना ज्यादा पैर पटक पटक के चलता है। वला तमशी फिल अर्ज मरहा इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह सुभान व तआला तकब्बुराना चाल वालों से भी क्या कहते हैं, नफरत फरमाते हैं, उनको पसंद नहीं फरमाते। ये मैंने आपके सामने इस आयत का मफहूम बयान किया। तो कुरान करीम के अंदर जगह जगह इस बात की तरफ इरशाद फरमा दिया गया कि भाई किस तरह से इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का आजम करना है कि हम कुछ भी कर लें, हमारी जिंदगियों में कुछ भी हो जाए, हमारी जिंदगियों में कैसे भी तरक्की आ जाए, कैसे भी हमें अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से फरावानी मिल जाए, अकल अपनी ठिकाने होनी चाहिए। अकल हमें अपनी ठिकाने रखनी पड़ेगी, अकल अपने कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, अकल अपने जब्त में रखनी पड़ेगी कि भाई ऐसा ना हो कि माल की कसरत देखकर या कोई चीज की कसरत देखकर इंसान का दिमाग खराब हो जाए और वो तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो जाए। बाज़ मर्तबा लोग अल्लाह सुबहाना व ताला से बहुत कुछ मांगते हैं लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला उनको उनके हिसाब से वो चीज़ अता फरमाते हैं। तो हो सकता है किसी को अगर माल कोई मांग रहा हो और माल नहीं मिल रहा हो तो अल्लाह सुबहाना व ताला जानते हो कि अगर इसे माल मिल गया तो इसकी अकल ख़राब हो जाएगी, इसकी अकल ठिकाने में नहीं रहेगी। क्योंकि मैंने इसके बारे में पिछले हफ्ते बताया था कि अल्लाह सुबहाना व ताला अगर हम सब की हर मुराद को भी पूरा फरमा दे तो अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं आ सकती। तो तकब्बुर की बात आपके सामने आ गई। दूसरी सिफत जिसका नाम है तवाज़ु, उसके बारे में अल्लाह सुबहाना व ताला ने फरमाया कि हदीस में आता है कि मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, वो शख्स जिसने अपने आप के अंदर अपने अंदर मुतवाज़े कैफियत को रखा और वो मुतवाज़े रहा तो अल्लाह सुबहाना व ताला क्या कर देंगे, उसके दर्जे को बुलंद फरमा देंगे, उसके दर्जे को अल्लाह सुबहाना व ताला क्या फरमा देंगे, बुलंद फरमा देंगे और कहेंगे कि इस बंदे के पास, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि किसी के पास मौका भी होता है तकब्बुर करने का लेकिन वो फिर भी अगर तकब्बुर ना करे तवाज़ो करे तो ऐसा शख्स अल्लाह सुबहाना व ताला के दरबार में, अल्लाह सुबहाना व ताला की बादशाहत में अगर कोई जानता है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने उसे ये कुछ अदा कर रखा है लेकिन फिर भी वो क्या है, तकब्बुर नहीं कर रहा है, कर सकता है, फिर वो तवाज़ो की कैफियत के साथ क्या है, अपने साथ लगा हुआ है, अपने अंदर तवाज़ो की कैफियत रखा हुआ है तो अल्लाह सुबहाना व ताला ने उसे बेशुमार इनामात देने का फैसला फरमाया। तो तकब्बुर एक अखलाकी, तकब्बुर एक यानी तकब्बुर एक क्वालिटी है, तकब्बुर एक बॉडी के अंदर जिस्म के अंदर एक सिफत है। अब इंसान को बाज़ मरतबा वाक़ईतन तकब्बुर करना भी पड़ता है। वो कब करना पड़ता है, जब उसे इस बात का एहसास कराया जाए कि तुम अगर जिस ईमान और इस्लाम को तुम फॉलो करते हो वो बड़ी हकारत वाली चीज़ है तो उस टाइम आपको तकब्बुराना अंदाज में कहना पड़ेगा कि हमें अपने मोमिन और मुस्लिम होने पर पूरा फख्र है और हम इस बात की तायद करते हैं। और बाज़ मरतबा अगर आपको लगता है कि अगर आपने अपने आप को कमज़ोर दिखाया तो साबिका यानी कमज़ोर दिखाया तो जो आपके मुखालिफ में है वो आप पर हावी हो सकते हैं तो उस वक्त आपको तकब्बुर दिखाना भी पड़ेगा। अब लेकिन ये सारी बातें अल्लाह सुबहाना व ताला ने बयान फरमाई हैं और साथ में हमें एक बेहतरीन अकल भी इनायत फरमा दी है कि उसका इस्तेमाल करें और मौके का जायज़ा लें कि भाई किस मौके पर हमें क्या काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक बात सुन ली तो उसी पर अमल करना है। तो उसके मुखालिफ जो मैं बता रहा था तवाज़ो, बात दूसरी तरफ चली गई कि तवाज़ो अल्लाह सुबहाना व ताला की एक इंसान को एक सिफत है जो अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ से सिफत अदा की हुई। यहाँ तक कि एक रिवायत में, एक कुरान की आयत में इरशाद है वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ी हौला, क्या मतलब है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने बाज़ मरतबा तो हमें ये एडवाइस किया है, मोमिनों को ये एडवाइस किया है और कहा है ओ रहमान के बंदे, यानी हम सबको मुखातब करके कहा कि ए रहमान के बंदो जो जमीन पर आजजी के साथ चलता है उसका एक बेहतरीन दर्जा है,
और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मामले में अपने काम में ठीक हैं, सही चल रहे हैं, कोई जबरदस्ती आके हमसे जिरा करता है, कोई जबरदस्ती आके हमें परेशान करता है, तो ऐसे मौके पर क्या हुकुम है कि वाइबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अला दिहाउन, कि बेशक वो शख्स जो अल्लाह की रोए जमीन पर आसी के साथ चलता है, और अगर उसे कोई सरकश आदमी, जाहिल आदमी उसके साथ किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है, उसके साथ कोई बातचीत में पड़ जाता है और लड़ाई झगड़े का इम्कान होता है, लड़ाई झगड़े का इम्कान होता है, तो उसे क्या कहना है? कालू सलामा, यानी तुम पर सलामती हो। उससे ज़्यादा झगबाजी में, उससे ज़्यादा डिस्कशन में ना पड़े, क्योंकि अगर आप समझदार हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो भी समझदार हो और वो आपकी बातों से समझे। तो कुरान करीम में इस बात की तरफ भी हमें मुतवज्जी फरमाया गया कि हमेशा तुम्हें जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, जवाबी कार्रवाई भी उसके साथ करनी है जिसके बारे में तुम मुतमईन हो कि अगर मैं इसको जवाबी कार्रवाई के बारे में कुछ दलीलें बताऊंगा तो उसको जब हम दलीलें बताने के नतीजे में वो ज़रा बात मान जाएगा, और अगर कोई पागल है, सरकश है कि बस उसकी एक बार सटक जाती है तो बस अब वो किसी की बात कबूल नहीं करे, तो उससे कोई बहस मुबाहसा करने की ज़रूरत नहीं। उसको कह दीजिए कालू सलामा, कि तुम पर सलामती हो, और बस अल्लाह सुबहाना व तआला ही अब तुम्हारे निगेबान है। ये फरमाया। और एक दूसरी रिवायत में इरशाद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल औहा इलैया अन तवाज़ु हत्ता ला यफ़रु अहदुन अला अहदिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक शख्स तवाज़ु करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और उसके अंदर एक तकब्बुर हिडन पैदा हो जाता है। अरे मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, अरे मैं तो बहुत आजीज़ आदमी हूँ, और मेरे अंदर तो ये आजीज़ी है। तो ये जो फिर उसके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि तवाज़ु करते 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 ये कन्वर्ट हो जाए तकब्बुर के अंदर। तो बाज़ मरतबा लोग तकब्बुर करते हैं बशक्ल तवाज़ु, कि तब वो समझ रहे हैं कि वो तवाज़ु कर रहे हैं लेकिन दर हकीकत वो क्या हो रहा है, तकब्बुर में कन्वर्ट हो गया। भाई मैं तो ऐसा हूँ कि मैं किसी से डरता भी नहीं, और मैं तो ऐसा हूँ कि हमेशा कहता हूँ भाई ठीक है छोड़ो। आदमी अपनी हर वक्त तारीफ करता रहे और कहे कि मैं आजिज़ आदमी हूँ, मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। अगर आदमी हर वक्त अपनी तारीफ ही करता रहे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, करीब गिरफ्तार हो जाएगा तकब्बुर करने में तवाज़ु के ज़रिए। तो शैतान जो है, शैतान बड़ा ही ख़तरनाक दुश्मन है। मैं आपको एक ज़िमनन एक बात बताता हूँ कि एक बुज़ुर्ग से, वो बुज़ुर्ग थे, उनसे ये हिकायती वाक़िया है कि एक बुज़ुर्ग से शैतान बोला कि बड़े मियाँ तुम्हारी इबादत करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम जो इबादत करते हो, तस्बीह पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, इसका कोई फ़ायदा वायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रब है ही नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। क्यों नहीं है? अगर होता तो तुम्हें जवाब देता। तो एक मिनट के लिए बुज़ुर्ग भी तो जो थे वो परेशानी में चलेगा कि बात तो इसकी थोड़ी बहुत सही है। फिर उस वक्त एकदम उनके जहन में अल्लाह सुबहानहू व तआला की तरफ से बात डाली गई कि ऐ बुज़ुर्ग, जब तू एक नमाज के बाद या एक सजदे के बाद तुझे दूसरे सजदे की तौफीक मिलती है, या तुझे एक नेकी के बाद दूसरे नेकी की तौफीक मिलती है, तो ये अल्लाह का जवाब है तुझे। अगर तू एक नेकी करता और तुझे दोबारा मौका नहीं मिलता दूसरी नेकी करने का, तो तू ये समझ सकता था कि हाँ भाई कोई शख्सियत नहीं है जवाब देने वाली। अगर तुझे एक नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक मिल रही है, एक नेकी के बाद दूसरी नेकी करने की तरगीब मिल रही है, ये है दलील इस बात की कि तेरा रब तुझसे राजी है। तेरा रब क्या है? तुझसे राजी है, और तुझे दोबारा क्या है, मौका दे रहा है ये बात करने का। ये सारी बातें। तो उन बुजुर्ग ने जब ये जवाब दिया शैतान को कि मेरा रब ने जब मुझे तौफीक दी दूसरी बात करने की, एक बात करने के बाद, ये मेरे रब की तरफ से क्या है, एक जवाबी। तो देखिए, शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। इन शैतान लकुम अदुव्वुन मुबीन, कि बेशक शैतान हमारा खुला दुश्मन है,
فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, शैतान को हमें अपना खुला ही दुश्मन तस्लीम भी करना है। और उसका उसने तो मोहलत ले रखी है अल्लाह से क़यामत तक की कि क़यामत तक आप मुझे मोहलत दे दीजिए और आपकी उम्मत को मैं कंटिन्यूसली उनका दिमाग ख़राब करता रहूँगा, उनको आपकी नफरमानी की तरफ दावत देता रहूँगा। तो अल्लाह ने भी जवाब दिया था शैतान को कि ठीक है तुम्हें मैं क़यामत तक की मोहलत देता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है इस बात पर कि जो हकीकत में मेरा बंदा होगा वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। तो शैतान सिर्फ हमसे नमाज ना पढ़वा के गुनाह नहीं करता, शैतान हमसे सिर्फ गाली दिलवा के गुनाह नहीं करवाता, बल्कि शैतान हमसे तकब्बुर करवा के भी गुनाह करवाता है और तवाज़ो के ज़रिए तकब्बुर करवाने के ज़रिए भी गुनाह करता है। एक आपने बहुत मशहूर मकूला है सुना होगा कि एक आम आदमी का शैतान एक आम शैतान होता है, एक आलिम का शैतान एक आलिम का शैतान होता है। यानी कि एक आम आदमी है जैसा उसका दिमाग है उसी वैसे ही उसके शैतान का दिमाग होता है, और जो कोई आलिम दीन है उसका शैतान भी उसे ऐसी ज़रिए से समझाएगा। एक आलिम का शैतान एक आलिम शैतान होता है, और एक मुफ्ती का शैतान तो मुफ्ती वाला ही शैतान होता है। मतलब यह है बताने का कि एक आम आदमी को भड़काने के लिए एक आम शैतान चल जाएगा, लेकिन एक आलिम दीन को और एक मुफ्ती को भड़काने के लिए शैतान के पास भी दलीलें ऐसी होनी चाहिए कि वो फंस जाए। अब जाहिर सी बात है अगर कोई एक आम शैतान एक आलिम दीन को या मुफ्ती को फंसाएगा वो नहीं फंसेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी कि उसको लगेगा कि मैं नेकी कर रहा हूँ लेकिन दरहकीकत वो गुनाह कर रहा होगा, ये समझ लीजिए कोई आलिम दीन है या कोई वो है, उसको ये फख्र हो जाए कि मेरी तकरीर में क्या असर है, लोग मेरे लिए क्या वाहवाही करते हैं और लोगों का दिल मेरे बात करने के जरिए से लोगों के दिल पिघल जाते हैं और लोगों के आंसू निकल जाते हैं। शैतान ने उसे भटका दिया, उसके दिल के अंदर ये ख्याल आ गया कि मैं तो अब पहले अगर मैं हफ्ते में 2 बयान करता था अब मैं 10 बयान करूँगा। तो ये जो उसने बयान की कसरत कर दी, समझ तो ये रहा है कि वो सवाब का काम कर रहा है, लेकिन दर हकीकत ये उसके लिए एक वबाले जान तैयार हो रहा है, क्योंकि वो अपनी राह रास्त से क्या है भटक रहा है। नियत हम इबादत करते हैं, हम सारे काम करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, ना कि ये कि कोई बयान इसलिए करता है कि लोगों की खुशी के लिए। हम लोगों को उलमा को मुफ्तियान इकराम को उलमा का अंबिया का वारिस कहा जाता है। अंबिया का क्या काम था? अंबियाओं को ये काम नहीं दिया गया था कि वो दीन की दावत दें और उस पर उनको फख्र हो, क्या बात है कि मैंने 10 लोगों को ईमान की दावत दी उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जिसको इस बात पर फख्र होने लगे कि मैं ईमान की और इस्लाम की दावत दे रहा हूँ और लोगों के दिल पर मेरी बात का असर हो रहा है, उसका बुरा वक्त उसी वक्त से शुरू हो जाता है। क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सारे नबियों को इस बात का हुक्म दिया था कि आपका काम है हर एक उम्मत के शख्स को दावत देना, उसे हम हिदायत देंगे या नहीं देंगे इसका फैसला हमारे पास है। आपको तो सिर्फ हमारे पैगाम को हमारी बातचीत को पहुंचाना है, इसके बस अगर कोई बात आपके सामने करता है और अगर उसकी सिर्फ यही नीयत होती है कि मैं सिर्फ पैगाम शरीयत पैगाम इलाही आपके सामने रख रहा हूँ, अब हिदायत देना मेरी जिम्मे नहीं है, हिदायत देना तो अल्लाह के जिम्मे है। जिसके अंदर ये कैफियत होगी वो कामयाब है, और जो ये समझने लगे कि यार इसे हिदायत तो मैं देके ही रहूँगा कुछ भी हो जाए और इसके दिल में तो मेरी बात का इतना असर होता है, तो वो एक ना एक दिन खुराफात में ज़रूर गिरफ्तार हो जाएगा और वो फिर नेकी करेगा लेकिन दर हकीकत वो उसके लिए गुनाह में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। तो तकब्बुर की मैंने आपके सामने बहुत सारी आयतें पढ़ी जिसमें अल्लाह सुबहाना व तआला ने फरमाया कि तवाज़ो तरीके तकब्बुर के कितने खराब असरात हैं, और तवाज़ो के बारे में मैंने आपको बताया कि जो शख्स तवाज़ो करता है अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ से उसके ऊपर कितने इनामात दिए जाते हैं। एक दुआ है जिसमें अल्लाह सुबहाना व तआला ने कहा है कि बंदों से कि तुम ये दुआ मांगो, इंशाल्लाह जब तुम ये दुआ मांगोगे तो तुम्हारी क्या है तुम तकब्बुर से भी महफूज रहोगे और तुम तवाज़ो भी कर रहोगे कि अल्लाह मुझे मेरी नज़रों में छोटा बना दे और लोगों की नज़र में मुझे क्या है बड़ा बना दे। अब आप कहेंगे कि ये बात इसके मुखालिफ नहीं,
बल्कि अगर आप ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह सुभान व तआला मुझे मेरी नजरों में छोटा बना दे, लोग मुझे कुछ भी समझें। मैं इस बात का मुतालबा नहीं करता कि लोग मुझे बड़ा समझें, चाहे कोई भी हो। अल्लाहुम्मा जअल फी आईनी सगीरा, कि अल्लाह मुझे मेरी नजरों में छोटा बना दे और लोगों की नजरों में बड़ा बना दे। इसका हुक्म हमें हदीस के जरिए से मिला है। अगर हम इस तरह की दुआ करेंगे तो हम तकब्बुर तवादो जैसी चीज से महफूज रहेंगे। अल्लाह सुबहानहु व तआला हम सबको तकब्बुर से महफूज फरमाए और तवाज़ु की कैफियत इख्तियार करने की तौफीक इनायत फरमाए।